अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्पाइसी रिएक्शन। हाँ जी, तो मैं हूँ अमरीन और मेरे साथ है मेरी टीम मेंबर्स। मैं आज उनका इंट्रोडक्शन करवाती हूँ आप लोगों से। हाँ जी, मेरा नाम हसन अहमद। हाँ जी, तो आज हम जो वीडियो देखने जा रहे हैं वो बहुत ही एक अच्छी सी वीडियो है केरला स्टेट के बारे में, कि इंडिया की बहुत अच्छी स्टेट है। हाँ जी हादिया, क्या है टाइटल आज की वीडियो का? बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन केरला। हाँ, बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन केरला। केरला की जो फेमस जगह है, हाँ जी, जगहों के बारे में देखने हैं आज, उसका विजिट करने लगे हैं। चलो आज हम उनका विजिट करते हैं, दिखने में कैसी है, लोग क्यों इतना जाते हैं केरला। हाँ, कहते हैं वहाँ पे टूरिस्ट ज्यादा जाते हैं केरला को देखने के लिए। कंट्री के नाम से भी जाना जाता है, अनडाउटेडली इंडिया के सबसे सुंदर स्टेट्स में से एक है केरला। अपनी ट्रॉपिकल वेजिटेशन, लश ग्रीनरी, क्लीन बीचेस और सीनिक बैकवाटर की वजह से हर साल लाखों लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। केरला को जो चीज़ और भी ज़्यादा स्पेशल बनाती है वो है यहाँ की डाइवर्सिटी। इस एक ही स्टेट में आपको बीचेस, माउंटेन्स, लश ग्रीनरी और डीप प्लांटेशन से लेकर यहाँ के ट्रेडिशनल कल्चर तक सब कुछ देखने को मिलता है। तो अगर आप भी केरला की एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा केरला की टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस जो कि आपको यहाँ आकर जरूर विजिट करनी चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, इससे मुझे काफी मोटिवेशन मिलती है इस तरह की वीडियोस को बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, तिरुवनंतपुरम। केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम, जिसे त्रिवेंद्रम के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसा शहर है जहां आपको कॉलोनियल लेगेसी और यहां की डीप रूटेड हेरिटेज का काफ़ी अच्छा मिक्सचर देखने को मिलता है। ये पूरा शहर 7 हिल्स पे बसा है जो कि अपनी आर्किटेक्चरल ब्यूटी और अर्बन चार्म की वजह से फेमस है। तिरुवनंतपुरम की सबसे मेन हाईलाइट है यहाँ का पद्मी टेम्पल। पद्मनाभ स्वामी टेम्पल इंडिया के सबसे बड़े और सबसे मिस्टीरियस मंदिरों में से एक है। ये मंदिर भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है, जहां उनकी अनंत शयन रूप में पूजा की जाती है। ये मंदिर दुनिया का सबसे रिचेस्ट मंदिर है और यहाँ की टोटल वेल्थ कितनी है ये आज तक किसी को भी नहीं पता। इस मंदिर में दर्शन करने की फीलिंग बहुत ही स्पेशल होती है। और इसके अलावा त्रिवेंद्रम में आप अट्टुकल भगवती टेम्पल, आजीमाला शिवा टेम्पल, कुठीरा मलिका पैलेस और नेपियर म्यूजियम में भी विजिट कर सकते हैं। नंबर 9, वाघमन। वाघमन केरला का एक ऑफ बीट हिल स्टेशन है जो कि 3600 फीट के ऑल्टीट्यूड पे लोकेटेड है। वाघमन का वेदर साल भर काफी प्लेजेंट रहता है और ये जगह अपने टी गार्डन्स, पाइन फॉरेस्ट, वाटरफॉल्स और लश ग्रीनरी की वजह से वीकेंड गेटवे के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। वाघमन पिछले कुछ टाइम से अपनी एडवेंचर एक्टिविटीज की वजह से काफी फेमस हो चुका है और यहाँ आकर आप ट्रेकिंग, रॉक क्लाइंबिंग और पैराग्लाइडिंग जैसी एक्टिविटीज का मजा ले सकते हैं। यहाँ की एडवेंचर एक्टिविटीज को देखते हुए केरला टूरिज्म डिपार्टमेंट यहाँ हर साल मार्च अप्रैल के टाइम पे एक इंटरनेशनल पैराग्लाइडिंग फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज करवाती है जो कि एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस होता है। तो अगर आप भी वाघमन विजिट करना चाहते हैं तो आपको मार्च अप्रैल के टाइम पे यहाँ आकर इस फेस्टिवल को जरूर एक्सपीरियंस करना चाहिए। मार्च और अप्रैल में होती है सिर्फ पैराग्लाइडिंग। त्रिवेंद्रम से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर कोवलम एक बहुत ही सुंदर कोस्टल सिटी है जो कि अपनी नेचुरल ब्यूटी से ना सिर्फ इंडियन बल्कि यूरोपियन टूरिस्ट को भी यहाँ अट्रैक्ट करती है। कोवलम सबसे ज्यादा अपने प्रिस्टीन बीचेस और सनसेट व्यूज की वजह से फेमस है और अगर आप बीच लवर हैं तो कोवलम आपके लिए एक आइडियल डेस्टिनेशन है। 1920 में त्रावणकोर की महारानी सेतु लक्ष्मीबाई ने यहाँ एक बीच रिजॉर्ट बनवाया था, जिसके बाद से कोवलम एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। कोवलम आकर आप यहाँ के काफी सारे बीचेस जैसे कि लाइट हाउस बीच, हवा बीच, समुद्र बीच, हैल्कन कैसल, वलियाथुरा पियर, कोवलम आर्ट गैलरी और भी काफी सारी जगहों पे विजिट कर सकते हैं। नंबर 7, थेकड़ी। थेकड़ी केरला का एक ऐसा हिल स्टेशन है जो कि अपने फॉरेस्ट रिजर्व और रिच फ्लोरा एंड फोना की वजह से फेमस है। थेकड़ी में आपको कार्डमम, टी और कॉफी प्लांटेशन, माउंटेन रेंजेस, वाटरफॉल्स और यहाँ के सीनिक लैंडस्केप का काफी अच्छा व्यू देखने को मिलता है। थेकड़ी सबसे ज्यादा अपने पेरियर टाइगर रिजर्व की वजह से फेमस है जो कि पूरे इंडिया का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है। इस टाइगर रिजर्व में आप टाइगर और बर्ड वॉचिंग के साथ साथ जंगल सफारी का भी मजा ले सकते हैं। थेकड़ी का वेदर पूरे साल काफी प्लेजेंट रहता है और यहाँ आकर आप ट्रेकिंग, राफ्टिंग, जंगल सफारी और एलिफेंट सफारी जैसी एक्टिविटीज का भी मजा ले सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ मंगला देवी टेम्पल, मुरुकड्डी प्लांटेशन, थेकड़ी लेक और अन्नाकारे में भी विजिट कर सकते हैं। नंबर 6, वर्कला। वर्कला केरला का एक हिडन पैराडाइस है जो कि अपनी सीनिक बीचेस, हिल्स, लेक्स,
फोर्ट्स और लाइट हाउस की वजह से फेमस है। वर्कला केरला का एकमात्र ऐसा शहर है जहां आपको 15 मीटर ऊंची क्लिफ देखने को मिलती है और इन क्लिफ से आपको पूरे अरेबियन सी का काफी अच्छा पैनोरामिक व्यू भी देखने को मिलता है। वर्कला के बीच काफी ज्यादा क्लीन और सीनिक होते हैं जो कि यहाँ पे टूरिज्म को और भी ज्यादा प्रमोट करता है। इन बीचेस पे आप काफी सारी वाटर एक्टिविटीज जैसे कि स्कूबा डाइविंग, बनेना बोटिंग, पैरासेलिंग और जेट स्कीइंग का भी मजा ले सकते हैं। इसके अलावा वर्कला में काफी सारी आयुर्वेदिक रिजॉर्ट्स भी हैं जहां आपको काफी सारी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स के ऑप्शन भी मिलते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा रिफ्रेशिंग होते हैं। इसके अलावा वर्कला, अगर आप वर्कला बीच, वर्कला लाइट हाउस, अंजेंगो फोर्ट, कपिल लेक, विष्णु टेम्पल, जनार्दन स्वामी टेम्पल, चिलाकूर बीच और भी काफी सारी जगहों पे विजिट कर सकते हैं। नंबर 5, कोची। कोची पूरे केरला की लार्जेस्ट सिटी और यहाँ की सबसे इम्पोर्टेंट पोर्ट सिटी है। कोची को हमेशा से ही ब्रिटिशर्स द्वारा एक पोर्ट सिटी की तरह यूज किया गया था, जिसकी वजह से आपको यहाँ काफी सारी कॉलोनियल साइट्स देखने को मिलती है। एक कमर्शियल सिटी होने के बाद भी कोची एक बहुत ही सुंदर शहर है और इसी वजह से इसे क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से भी जाना जाता है। कोची आकर एक चीज जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए वो है यहाँ के बैकवाटर्स में हाउस बोट राइड। कोची के बैकवाटर्स केरला के सबसे फेमस बैकवाटर में से एक है और यहाँ के कोकोनट ट्रीज और लश ग्रीनरी के बीच से इन बैकवाटर्स का नजारा देखते ही बनता है। इन बैकवाटर के अलावा कोची में आप मटन चेरी पैलेस, फोर्ट कोची, केरला कथकली सेंटर, चेराई बीच, बोलगटी पैलेस, मरीन ड्राइव और भी काफी सारी जगहों पे विजिट कर सकते हैं। नंबर 4, कुमाराकोम। कुमाराकोम केरला का एक ऐसा शहर है जो कि वेम्बनन लेक के छोटे छोटे आइलैंड्स के मिक्सचर से बना है। वेम्बनन लेक केरला का लार्जेस्ट लेक है और ये जगह अपनी सीनिक ब्यूटी, लश ग्रीनरी और पैडी फील्ड्स की वजह से फेमस है। कुमाराकोम की सबसे मेन हाईलाइट है यहाँ का बैकवाटर टूरिज्म जो कि पूरे केरला के सबसे सुंदर बैकवाटर में से एक है। इन बैकवाटर को अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए आप यहाँ की लग्जरी और ट्रेडिशनल हाउस बोट में भी स्टे कर सकते हैं। इन बैकवाटर के अलावा कुमाराकोम में आप कुमाराकोम बर्ड सेंचुरी, टॉडी शॉप्स, अरुविकुजी वाटरफॉल, कुमाराकोम बीच, सेंट मैरीज चर्च और यहाँ के आयुर्वेदिक स्पाज में भी विजिट कर सकते हैं। नंबर 3, वायनाड। वायनाड केरला की सबसे यूनिक और सबसे इंटरेस्टिंग जगहों में से एक है। वायनाड सबसे ज्यादा अपने वाटरफॉल्स, हिस्टोरिकल केव्स, लग्जरी रिजॉर्ट्स, स्पाइस प्लांटेशन और सीनिक लैंडस्केप की वजह से फेमस है। वायनाड की हवा में आपको एक अलग सी स्मेल फील होती है क्योंकि यहाँ काफी अलग अलग स्पाइसेस की प्लांटेशन होती है और इसी वजह से इसे स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। वायनाड की लश ग्रीनरी में आपको ट्रैकिंग, हाइकिंग, माउंटेनियरिंग, रॉक क्लाइंबिंग और कैंपिंग जैसी एक्टिविटीज का एक्सपीरियंस भी जरूर लेना चाहिए। वायनाड आकर आपको यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, टाइगर रिजर्व और इंडियाज लार्जेस्ट अर्थ डैम भानुशाला डैम में भी जरूर विजिट करना चाहिए, जहाँ से आपको बहुत ही बढ़िया सनसेट व्यूज देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आप वायनाड में काफी सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस जैसे कि इडक्कल केव्स, थिरुनली टेम्पल, करिंथंडन टेम्पल, एंशियंट जैन टेम्पल और भी काफी सारी जगहों पे विजिट कर सकते हैं। नंबर 2, एलपी। एलपी सिर्फ केरला की ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है। एलपी पूरे केरला के बैकवाटर टूरिज्म का सबसे मेन हब है और यहाँ के बैकवाटर और हाउस बोट एक्सपीरियंस का कोई मुकाबला ही नहीं है। एलपी के बैकवाटर्स दोनों तरफ से कोकोनट ट्रीज, पैडी फील्ड्स और लश ग्रीनरी से कवर्ड रहते हैं और इन बैकवाटर में एक हाउस बोट राइड लेकर आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी अलग ही दुनिया में आ गए हो। एलपी की हाउस बोट भी केरला की सबसे लग्जूरियस हाउस बोट होती हैं और एलपी आकर आपको इन हाउस बोट में स्टे करना वैसे मैंने ऐसी हाउस बोट अभी तक पाकिस्तान में। इसके अलावा भी आप एलपी में कुछ बहुत ही सुंदर जगह जैसे कि एलपी बीच, एलपी लाइट हाउस, मरारी बीच, श्री कृष्णा टेम्पल, सेंट मैरीज फॉरेन चर्च और वेम्बनद लेक में विजिट कर सकते हैं। नंबर 1, मुन्नार। मुन्नार अनडाउटेडली पूरे साउथ इंडिया का सबसे सीनिक हिल स्टेशन है। 5,200 फीट के ऑल्टीट्यूड पे लोकेटेड मुन्नार अपनी लश ग्रीनरी, सीनिक वाटरफॉल, टी प्लांटेशन, ट्रेकिंग रूट्स और अमेजिंग व्यू पॉइंट की वजह से फेमस है। मुन्नार एक टाइम पे ब्रिटिश इंडिया का समर रिजॉर्ट भी हुआ करता था और आज के टाइम पे भी ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है। अगर आप अपनी रेगुलर लाइफ से ब्रेक लेकर एक बहुत ही सीनिक और रिलैक्सिंग जगह पे कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो मुन्नार आपके लिए एक आइडियल ऑप्शन है। मुन्नार सबसे ज्यादा अपने टी प्लांटेशन की वजह से फेमस है, इसलिए मुन्नार आकर आपको यहाँ के टी गार्डन को एक्सप्लोर करना बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। मुन्नार में ट्रैकिंग के भी काफी ऑप्शंस हैं और यहाँ आकर आपको अनामोड़ी और मिसापुलीमाला पीक तक का ट्रैक भी जरूर करना चाहिए जो कि पूरे केरला की दो सबसे हाईएस्ट पीक्स हैं।
दोस्तों मैंने मुन्नार के ऊपर एक पूरा इन डेप्थ वीडियो भी बना रखा है, इसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। इस वीडियो के बाद आप वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी केरला की 10 सबसे बेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस। हालांकि केरला में इन सब के अलावा भी काफी सारी सुंदर प्लेसेस हैं, और अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताएं। जबरदस्त, मुझे तो यकीन नहीं था कि केरला स्टेट में इतनी खूबसूरत जगहें देखने के लिए, माइंड ब्लोइंग। वैसे मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ये भी उन्होंने हमें दिखाए हैं कि टॉप 10 जो टॉप 10 हाँ, तो इससे भी ज्यादा कहते हैं और हाँ, हैवी प्लेसेस इससे ज्यादा और भी हैं, पर इसने हमें टॉप 10 दिखाए। हाँ, हर एक की अपनी एक अलग खूबसूरती थी, ब्यूटी थी, और वाकई ही वैसे कभी चांस बने ना इंडिया जाने का, वैसे मेरा तो दिल करता सबसे पहले केरला देखे, सबसे पहले जाके। यूरोपियन विजिट करने आते हैं, से बहुत ज्यादा टूरिस्ट आते हैं यहाँ प्लेसेस को विजिट करने। मैं कहता हूँ जो इंडिया जाए केरला में ना जाए तो वो इंडिया वो इंडिया जाने का कोई फायदा ही नहीं है। वाकई सही है। तो और अहमद भाई आप बताओ आपको कैसा लगा? तो सारी प्लेसेस बहुत अच्छी लगी। और हादी तुम बताओ कैसी लगी? मुझे भी सारी वीडियोस तो हां सारी प्लेसेस भी बहुत जबरदस्त थी। वाकई ये नहीं, ये तो वैसे नो डाउट कि हम किसी एक को बेस्ट नहीं कह सकते, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कि अगर हम एक देखेंगे उसकी तारीफ करेंगे फिर जब अगली देखते थे वो उससे भी ज्यादा अच्छी निकल आती थी। हां वाकई ये जबरदस्त, हां ये बिल्कुल सही बात है। तो गाइस आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो हमें बताइएगा, और हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिएगा। हम इसी तरह आपके लिए बहुत अच्छी सारी वीडियोस लाते रहेंगे। चलें जी, अल्लाह हाफिज़, ओके बाय।